सो बेलपत्र तोड़ के हो गया ना, तो सारी लेडीज़ भी मतलब काफ़ी देर से आई हुई थी, तो बस इसीलिए मैंने सबके लिए समोसे मंगाए थे। तो प्रसाद के साथ देने में अच्छा रहता है कि मीठे के साथ कुछ अच्छा सा नमकीन भी चाहिए, तो सब लोग बस वही कर रहे थे। और पंडित जी ना अभी जाप कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे आके समोसे के बाद चाय रख दिया है, और यहाँ पे समोसा और भी रखा हुआ है, अभी भाजी वगैरह बनाना है। और यहाँ पे मतलब अभी पंडित मतलब जो है ना पंडित जी जाप कर रहे हैं ना, तो पूजा भी स्टॉप हुई है, तो बस उसी लिए सारी लेडीज़ ऐसी बातें कर रही हैं, और कुछ सामान नहीं है तो वो मंगाए जा रहे हैं। सो अभी फाइनली स्टार्ट हो गया है मतलब रुद्राभिषेक, अभी तक तो जो गया शाम की पूजा ही सब हुआ, अब रुद्राभिषेक स्टार्ट हुआ है। सबसे पहले भगवान नंदी स्वर का वाहन का ध्यान करें। हरि ओम कृष्णानन्ते शुद्धोष्णानं शुद्धाजनेन जलं समद्भर्वं मधुष्णानं मा उपसिद्धेत् चतुर्थ ॐ मधुपाकारिताय मधुचरन्तः मधुमत्पादे सो अब रुद्राभिषेक शुरू हो गया है ना, तो इसलिए पंडित जी ने सबको कहा कि जितने लोग बैठे सब लोग ओम नमः शिवाय बोलते रहो मन में, तो बस वही हम लोग बोल रहे थे। नाम
तो फाइनली वो टाइम आ गया जो सबको मौका मिलने लगा रुद्राभिषेक करने का। थोड़ा थोड़ा पंडित जी बोले कि सब लोग, जितने लोग इतने समय दिए हैं रुद्राभिषेक में, तो उन लोग को भी करना बनता है, तो बस इसीलिए सब लोग थोड़ी थोड़ी देर के लिए आके रुद्राभिषेक किए खुद के हाथों से। तो मैं भी आती हूँ अभी, बट ठीक है, सब लोग पहले कर ले, उसके बाद मैं आ जाऊँगी करने के लिए। Thank you.
यहाँ पे पूजा और आरती दोनों अच्छे से सब कुछ हो गया। इसके बाद मैं इनका पैर छू ले रही हूँ क्योंकि ये ज़रूरी होता है। उसके बाद यहाँ पे मतलब पंडित जी सारा कुछ बता रहे हैं और सारे लोग को प्रसाद यहाँ पे दिया जा रहा है। तो समोसा, हलवा, फ्रूट्स, मिठाई, ये सारा कुछ था प्रसाद में। तो ये सब कुछ दे रहे हैं सब लोग। मैं नहीं दे पा रही थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो मैं रेस्ट कर रही थी। तो ये वीडियो कौन बनाया मुझे खुद को नहीं पता, श्रुति, खुशी, सारे बच्चों में। और ये हाँ, ये मेरे मतलब एक सब्सक्राइबर आए थे, इनके ऑफिस के एक फ्रेंड थे, वो आए थे। तो ये मुझे यूट्यूब पे बहुत मतलब बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो इसलिए इन्होंने जब आए थे ना तो मेरे लिए स्पेशली मतलब मिठाई लेके आए थे। भगवान के लिए तो अलग से लाए थे बट मेरे लिए भी लाए थे। तो वो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, बात कर रहे थे। मैंने सोचा चलो जब दे ही रहे हो तो क्यों ना आप, मैं वीडियो ले लेती हूँ फिर आप दीजिए। तो बस वही दे रहे थे, तो काफ़ी अच्छा लगा। सो थैंक यू फॉर कमिंग। सो यहाँ पे मेरी फ्रेंड आई है ऑफिस की, तो मैंने बुलाया हुआ था और ये काफ़ी मेरा ध्यान देती थी और अभी भी देती है। सो मैंने बुलाया था तो बस इसीलिए ये लोग सब लोग आ गए थे मेरे पूजा में। और फर्स्ट टाइम आई थी मेरे घर पे तो पूजा भी था, तो इसीलिए बस। और मेरे से जब से मैंने ऑफिस छोड़ा ना तब से मैं मेरे से मिलने भी नहीं आई थी, तो बस इसीलिए हम लोग ये लोग सब लोग मुझसे मिलने आए थे। पूजा में भी हो गया तो काफ़ी अच्छा लगा। थैंक यू वैशाली, अनुपमा एंड निधि। सो अच्छा लगा और लोग भी पूजा एंजॉय किए, हम लोग काफ़ी बातें किए। सो बस यही सब रिकॉर्ड है, छोटी छोटी चीज़ें आपके साथ शेयर करनी मुझे अच्छी लगती है। तो ये मेरी नेबर है मतलब मेरी बिल्डिंग की, तो इनके यहाँ हल्दी कुमकुम था। तो ये मुझे मतलब ये भी अभी मुझे बुलाई थी बट मेरे यहाँ पूजा आरती सब हो रहा था इसलिए मैं नहीं जा पाई थी। तो वही मैं इनको बता रही थी कि मैं इस रीज़न से नहीं आ पाई, तो ये बोली नहीं अब तो हो गया ना, अब चलो फिर। मैंने बोला चलो ठीक है। तो बस इनके साथ ही अभी मैं इनके घर जा रही हूँ हल्दी कुमकुम में। तो इन मतलब इन महाराष्ट्र में इनके यहाँ ऐसा होता है ना कि ज़रूरी होता है कि ये लोग मकर संक्रांति के दिन है ना हल्दी कुमकुम रखते हैं, तो बस उसी लिए मैं जा रही थी। तो मुझे भी अच्छा लगा, चलो एक ही दिन में हम लोग ने काफ़ी कुछ इन्जॉय किया। और ऐसे ऐसा मतलब वक्त ना बहुत कम मिलता है कि एक साथ सारी खुशियाँ मिलती है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो जितनी मिले सब ले लेनी चाहिए। तो फाइनली पूजा हो गया, आरती हो गई, हल्दी कुमकुम हो गया, काफ़ी कुछ हो गया। उसके बाद मेरे घर में ब्राह्मण भोज था, मतलब पहले तो पंडित जी खा रहे थे और जिनको दूर जाना था ना वो खा रहे थे। तो बस आज के दिन मेरे घर ब्राह्मण खा के गए, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अर्जेंट में फटाफट खाना, यूट्यूब पे जाए मतलब ऐसा कुछ बड़ा प्लान नाम उम्र डाले, ऐसे था कि चलो पंडित जी खा लेंगे। ब्राह्मण और भी लोग प्लान जिन लोगों ने मेरी मदद की, क्योंकि मैं तो काम ज़्यादा नहीं कर पा रही थी, मुझे दे रहे थे मेरी बिल्डिंग के। तो अब पंडित जी की विदाई हो रही है, दक्षिणा दे मतलब जो जिस लायक हम थे बस वो दे रहे हैं। तो हमें बताना चाहिए बस, सारे मतलब तीनों पंडित जा रहे थे खाना।
खाना खा के अच्छे से हो गया। अभी लोग चले जाएंगे, उसके बाद सारे लोग बैठेंगे, तो मेरे भाई, जीजू, ये लोग सारे लोग बैठे हैं, भैया, तो बस मेरा छोटा भाई चाचा का बेटा वो परोस रहा है, बाकी बड़े भाई और जीजू लोग बैठे हैं खाना खाने के लिए। तो काफ़ी अच्छा लगा यार, मतलब बहुत अच्छा मकर संक्रांति इस बार का गया, बहुत अच्छा, जितना हम लोग ने सोचा भी नहीं था ना उतना अच्छा गया मकर संक्रांति। आई होप आप लोगों का भी इतना ही अच्छा गया होगा मकर संक्रांति। सो मेरे लिए तो बहुत अच्छा गया। सो अच्छे से पूजा हो गया, सब लोग खा के चले गए, बस अब हम लोग खा रहे हैं, दीदी लोग, बच्चे, मैं, ये सारे लोग खा रहे हैं। और ये देखो, मतलब सब लोग रिकॉर्ड कर रहे थे, तो इन्होंने बोला चलो मैं, तुम लोग खा रहे हो तो मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ, तो बस ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो अच्छा लगा ये सब मेमोरी शेयर करने में, और आप लोग भी बताना ज़रूर कि वीडियो कैसा लगा, मुझे तो अच्छा लगा। सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। फाइनली कल सब कुछ अच्छे से हो गया, इवन देखो मैंने लिपस्टिक भी नहीं छोड़ा है, ठंडी से ना फट गया, यहाँ पे भी थोड़ी ठंडी पड़ रही है। सो अभी सारा कुछ ये साफ सब, मतलब सब कुछ ये करेंगे, और मतलब इन्होंने काफ़ी मेहनत की, बट मेरी दीदी लोग ने और भी जितने लोग हेल्प के लिए आए थे, सब कुछ अच्छे से हो गया। सो जितना नहीं सोचा था उस हिसाब से हो गया, तो सब भगवान की ओर से होता है। और मेन चीज़ मकर संक्रांति थी, उस दिन ब्राह्मणों को दान हो गया, सारा कुछ सब लोग खा लिए, मेरे घर ब्राह्मण, तो अच्छा लगता है। तो बस हाँ, हम लोग क्या मकर संक्रांति तो वैसे भी नहीं सहती है, मतलब मेरे ससुराल साइड, तो इसीलिए वैसे भी हम लोग मकर संक्रांति में कुछ स्पेशल नहीं करते, बट अच्छा हुआ ये चीज़ हो गई, रुद्राभिषेक बहुत दिन से सोचा हुआ काम कल हुआ। इवन पंडित जी जो बोल रहे थे ना, बोल रहे थे आज, मतलब बहुत नसीब से आज के दिन तुमको पूजा करनी मिली है, क्योंकि आज के दिन तुम्हारे घर ब्राह्मण आए, पूजा करे, दान दो, खाना खिला दो, बहुत अच्छा पुण्य है। तो बहुत अच्छा लगा जब पंडित जी ये बोले। सो व्लॉग आई थिंक बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया होगा, क्योंकि मेरे को नहीं पता कितना रिकॉर्ड हुआ है, कुछ मैंने कुछ ज़्यादा, मतलब कुछ कुछ रिकॉर्डिंग मैंने की है, कुछ कुछ मेरे भाई ने की है, मतलब मेरे चाचा के बेटे ने। सो मुझे नहीं पता व्लॉग कितना बड़ा हुआ, तो मैं इसी व्लॉग को यहीं पे एंड करी, ताकि आप लोग बोर ना हो, तो प्लीज़ जैसा भी लगे व्लॉग बताना ज़रूर, जितनी हो सकती है कोशिश उतना मैं ट्राई करती हूँ कि अच्छे से व्लॉगिंग हो जाए। सो इसीलिए तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो नए व्लॉग के साथ। आई थिंक मेरा नए ना फ़ोन में अच्छी रिकॉर्डिंग हो पा रही है, आप लोग ये भी बताना कि चेंजेस क्या आया, अच्छा आया है कि नहीं। सो इसीलिए चलो मिलते हैं नए वीडियो नए ब्लॉग के साथ। एक बार फिर से आप सभी को हैप्पी मकर संक्रांति, जाते जाते वैसे मकर संक्रांति बीत चुकी है, बट आज की सुबह और आज की सुबह मैं नींबू चाय से शुरू कर रही हूँ, क्योंकि कल ना, मतलब वैसे तो मुझे कोई भी चाय चल जाती है, बट लेमन टी ना इनको चाहिए रहती है, क्योंकि कल मीठा वगैरह सब खा लिए थे ज़्यादा, तो बोले नहीं मीठा चाय, मतलब दूध की चाय मत बनाओ, नींबू की चाय बना दो तो अच्छा लगेगा, तो बस मैं वो बना दी, तो मैं वो पी लेती हूँ, मुझे दोनों अच्छी लग जाती है। और एक्चुअली नींबू की चाय ना दूध की चाय से जो पीने लगे उससे ज़्यादा अच्छी होती है, कभी ट्राई करना। और नींबू की चाय में भी कैसा ना, सिर्फ नींबू डाल के नहीं, नमक भी थोड़ा डालो तो वो टेस्टी लगता है। तो चलिए मैं अपनी चाय इंजॉय करती हूँ। तो एक बार आप सभी को फिर से गुड मॉर्निंग सो, चलिए मिलते हैं नए वीडियो नए ब्लॉग के साथ।